जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना फहद और आप देख रहे हैं डायरेक्ट मैसेज। आज मैं एक दफ़ा फिर मौजूद हूँ वलेंशिया क्रिकेट क्लब में और हमारे साथ मकसूद भट्ट साहब हैं और इनके कुछ प्लेयर्स हैं और जो कि यहाँ पे क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने पावर हिटिंग करनी है तो आपकी क्या टेक्निक होगी, आपने बैट कैसे पकड़ना है, कैसे खड़े होना है। तो सबसे पहले हमारे साथ जो बैटर हैं, जी भाई क्या नाम है आपका? बिशार अहमद। बिशार, आप क्या T20 का प्लेयर हो या टेस्ट के हो? T20 के हो। आप मुझे बताते हो और मेरे नाज़रीन को बताते हो कि अगर आपने पावर हिटिंग करनी है तो आपने किस तरीके से खड़े होना है और क्या आपकी टेक्निक क्या होगी, थोड़ा आगे आके थोड़ा हमें बताएं और आपने कैमरे की तरफ देखना है। अच्छा, आप बैट कहाँ से पकड़ रहे हो? ओके, ठीक है। ये अगर आप स्पिनर है तो कैसे हिट करोगे, अगर पेसर है तो कैसे हिट करोगे? ये हिट है आपकी ड्राइव, ये तो डिफेंसिव है ना, आपने अगर शॉट खेलनी है तो शॉट खेलो, मारो सीधा 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 स्ट्रेट करो, सीधा मारो। ये शॉट नहीं है, आप तो मुझे टेस्ट प्लेयर लग रहे हो यूनुस खान की तरह। शॉट खेलनी है तो आप आगे आगे हिट करोगे, आपने बैट पकड़ा है और लंबा बैट कर लेना है। जो स्ट्राइक आते हैं 20-20 वो नीचे से नहीं पकड़ते, ऊपर से पकड़ते हैं ताकि उन्हें बड़ी हिट मारनी है। तो इसलिए जब भी आपने बड़ी हिट मारनी है और थोड़ी अगर क्रीज यूज करनी है तो आपने एक्स्ट्रा कवर तेरे निकलना है। अगर आप सीधा निकलेंगे तो आप बीट हो जाएंगे, स्टंप हो जाएंगे, इसलिए आपने एक्स्ट्रा कवर की निकलना है ताकि बॉल को कवर करना है। अगर उसने बीच में किया तो पैर सीधा रख के सामने छक्का मार देना, अगर उसने बाहर किया तो फिर ऐसे उसको आप एक्स्ट्रा कवर ले जाएंगे। लड़के कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सीधा जाते हैं तो इसलिए उनको ये समझ नहीं आती। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो बैट्समैन होता है वो उतनी गैप कर लेता है कि वो सही स्ट्राइक नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप खेलें, ये बैट आपका जितना बैट की लंबाई है उतना रखेंगे। जब फ्रंट फुट ड्राइव कर रहे हैं आप तो ये आप जा रहे हैं आपकी स्ट्राइक करेंगे तो आपकी पावर में हिट होगी। अगर आप ये जाएंगे तो आपका बैलेंस आउट हो रहा है क्योंकि आपका कहते हैं फ्रंट फुट ड्राइव। तो फ्रंट फुट ड्राइव का ये मसला है कि आप ये देखें, मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये, तो आप ये देखें बिल्कुल पैड में पावर में हूँ। अगर मैं ये जाऊँगा अनबैलेंस हो रहा हूँ, इसलिए आप ये पूरा लेवल रख के निकले, एक्स्ट्रा कवर निकले तो स्ट्राइक करें तो सीधा आपका छक्का होगा। बट साहब, अगर गुड लेंथ के ऊपर बॉल है जी, उसके ऊपर आपने हिट करनी है तो फिर क्या टेक्निक होगी आप? वो टेक्निक यही होगी, आप थोड़ा क्रीज यूज करके उसको फुल टॉस बनाएं। ओके, तो स्ट्राइक करें, ठीक है। अगर आप उस पर बॉल में पहुंच जाएं तो आप स्ट्राइक कर दें, अगर आप नहीं पहुंचे तो बॉल लंबा है तो फिर आप रोक के बैक योर क्रीज वापस आ जाएं। अगर उसको स्ट्राइक करेंगे आप मिड ऑफ पे कैच हो जाएंगे, तो इसलिए आप उसको रुक जाए, अगर नज़दीक है तो फिर फुल फ्लाई करें उसको, फिर छक्का हो जाएगा आप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि आपने कहा है कि बैट को एक सेकंड ये माई पकड़िएगा, अगर मैं ऐसे बैट को पकड़ूं ऊपर स्पेस छोड़ दूं जी तो फिर क्या होगा, और अगर मैं यहां से पकड़ूं नीचे स्पेस छोड़ दूं फिर क्या होगा? इन दोनों में क्या मसला है? इसमें दोनों में ये मसला है, जो टेस्ट खेलते हैं या वनडे खेलते हैं वो बैट को यहाँ से और नीचे से पकड़ते हैं, लेकिन जो 20-20 वो प्लेयर होते हैं वो थोड़ा लॉन्ग हैंडल कर लेते हैं, इससे बड़ी हिट मारना आसान है और इजीली लगेगी आपकी। इसीलिए आप जब स्ट्राइक करने जाएं तो पूरा बैट के हैंडल को ना ऊपर से पकड़ें, अगर आपने वनडे में खेलना तो फिर नीचे से पकड़ेंगे। सही। अच्छा भट्ट साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस हो गया क्रिकेट का, आप मुझे बताएं कि सबसे अच्छा जो बैट है वो किस कंपनी का है? वो सबसे अच्छा बैट जो है वो सीए का है, सीए का बैट। लेकिन मैं बच्चों को यही कहूँगा, जो यंगस्टर बच्चे आ रहे हैं 14-15-16 साल के जो खेलना चाहते हैं आ रहे हैं, उनको 2.7 वेट लेना चाहिए, 2.7 का, और जो थोड़ा सा ऊपर बच्चे 16-17 के जा रहे हैं अंडर 19 में, उनको 2.8 लेना चाहिए। उसकी बेसिक वजह ये है कि जब आप फास्ट बॉलर खेलेंगे 140 तो आपकी टाइमिंग टच करेगी, अगर आप 2.9 या 10 लेंगे आपकी टाइमिंग नहीं मिलेगी, हुक करने जाएंगे वो आपका वो खड़ा हो जाएगा बॉल। सही है, तो इसलिए आपने 2.8 आफ्टर 16 और 2.7 अबव 16। नाज़रीन, यहाँ पे लाइव प्रैक्टिस भी हो रही है, तो हम प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं ताकि हमें किसी को बॉल ना लगे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि
आपने एक तो मुझे बताया कि बैट जो है वो सीए का अच्छा है, इसके अलावा जब आप बैट परचेज करते हो तो आपने कौन सी चीज़ें देखनी है? क्योंकि एक अगर बिल्कुल नया बच्चा स्टार्ट करता है जाके वो शॉप में जाता है कि मुझे बैट दे दे, तो वो तो जो नहीं बिक रहा होगा वो दे देंगे उसको, वो इसलिए कि दे देंगे, वो दे देंगे ज़्यादा सफ़ेदा सफ़ेदा बैट बिल्कुल नहीं लेना आपने, वो जल्दी टूट जाता है। आप लें विलो, इंग्लिश विलो पे, ओके, वो बैट बेस्ट है बच्चों के लिए, वो लॉन्ग टाइम चलेगा आपको। अगर सफ़ेदा लेंगे वो जल्दी टूट जाएगा, लेकिन ये पहचान होने चाहिए, बच्चे जाते हैं उनको वो सफ़ेदे का पहला, सफ़ेदे की क्या निशानी क्या है? सफ़ेदा का वो वाइट होता है उसमें, लेकिन ये थोड़ा सा रेड में होता है, वो बिल्कुल वाइट होगा, ठीक है, तो वो सफ़ेदा है, जो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा रेड में होगा तो वो विलो, इंग्लिश विलो होगा, वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम ज़्यादा चलेगा। और बच्चों को इंग्लिश विलो लेना चाहिए, और बेसिक में बच्चों को प्रॉपर, जो बच्चे अब यंगस्टर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं क्रिकेट में आगे आने के लिए, कि जब हमने प्लेयर बनना है, तो उनके लिए प्रॉपर आप उनको प्रॉपर डाइट, उनकी फिटनेस दे के उनको वो प्रपोज करें कि जी आप सुबह क्या लेना है, आपने दोपहर को क्या लेना, रात को, ताकि फास्ट बॉलर जो होगा उसके लिए बहुत बेटर होगा डाइट लेना, ताकि उसकी पावर बढ़ेगी, तो माशाल्लाह। लेकिन मुझे अभी 30 साल हुए हैं प्रॉपर बच्चों को कोचिंग करते, एक तो 20 साल हो तो बड़ी बात होती है, तो मुझे 30 साल से बच्चों को सिखाते हो चले, और माशाल्लाह इंग्लैंड में, अमेरिका में जितने भी बच्चे गए हैं, पाकिस्तान में सुलेमान भट्ट, वहाब रियाज, उस्मान सलाउद्दीन, और बहुत से मिसवा वगैरह सब मेरे से टिप्स लेते रहे। वेरी गुड, ग्रेट जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो बच्चे आते हैं आपके पास, जी जी, आप इनकी सिलेक्शन कैसे करते हैं, कि जो भी आता है आप कहते हैं ठीक है आ जाओ, या आप ट्राई लेते हैं? नहीं, मैं ऐसे कभी नहीं करता, मैं देखता जिस बच्चे में 20% भी क्रिकेट की बिल्कुल सिम्पटम हो, मैं उसको लेता हूँ, क्योंकि माँ बाप जब उससे खर्चा करता है, तो अगर बच्चे को वो चीज़ ना, रिजल्ट ना आए, तो मैं समझता हूँ कि इसका कसूर उनका नहीं, कसूर मेरा है, सही, तो मैंने गलत उनको गाइड किया, और गलत बच्चे को प्रपोज किया, ये बच्चा लाए जी ये करें जी, नो, सही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी ये बच्चा आया हमारे पास, जी जी। ये फास्ट बॉलिंग भी करता है, लेकिन इसकी बेसिक वजह पिछली टांग पे बॉल करता है, हालांकि बॉल अगली टांग पे रख के करना चाहिए, तो इसको वो सही कर रहे हैं, ये माशा जब सही हो जाएगा विद इन वन। व्हाट्सएप आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं बाकी बच्चों से सवाल करूंगा, कि हमने देखा है कि अक्सर जो फास्ट बॉलर है ना, इनकी बैक इंजरी आ जाती है और अपना करियर जो है बड़ी जल्दी कंक्लूड कर देते हैं, तो उस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? उसको अवॉइड ये किया, सबसे पहले बॉलिंग करने से पहले, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं प्लीज़, आप लोग भी आ जाएं, सबसे पहले इनको बॉलिंग करने से करने के लिए पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए फिटनेस के लिए, उसके बाद इनको प्रॉपर डाइट अच्छी लेनी चाहिए, ताकि फास्ट बॉलर जब बॉल करेगा तो बेंड करेगा अपने आप को, जब बेंड करेगा जोर लगाएगा तो लाजमी मतलब वो यहाँ पे जोर पड़ेगा। पुराना एक बॉलर था माशाल्लाह मोहम्मद जाहिद, ठीक है, बहुत अच्छा बॉलर था, 140 45 50 पे जाता था, बिहाड़ी से था, बिहाड़ी से था तक लगता, उसकी बैक इंजरी हुई है यंग एज में, क्रिकेट को खैर बात किया गया, अदरवाइज वो लॉन्ग टाइम बॉलर था, जी जी। तो अच्छा मुझे बताएं भट्ट साहब, क्रिकेट 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 इसके अलावा मूवीज भी देखते हैं आप? नहीं नहीं, कोई मूवी नहीं, मैंने आज तक क्रिकेट पे फोकस किया। अच्छा, कोई मूवी, कोई आपका गाने शाने सुनते हैं? नहीं नहीं नहीं, गाने नहीं, मैं जब मैच देखता हूँ ना, मैं बड़े बड़े प्लेयरों की वो चीज़ वॉच करता हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं अंडर 16-17 भी था, तो मैंने गैरी सोबर का बैटिंग देखी, जो 365 का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जी जी। तो मुझे दिखाया था अल्लाह जन्नत नसीब करे हफीज कारदार जी, कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम और पीसीबी चेयरमैन, जब मुझे दिखाया तो मैंने उसकी टेक्निक देखी, ठीक है, फास्ट बॉलर पे डेनिस लिली 150 में भी करता था, उससे बहुत तेज था पूरे वर्ल्ड में, जी जी। तो मैंने उसको, उन्होंने कैमरा दिखाया मुझे कि उसका पाँव कैसे चलना है, फास्ट बॉलर कैसे, तब मैंने ओपन की, तो मैंने उससे मतलब कॉपी की, तो एक पाकिस्तान के बॉलर थे सलीम अल्ताफ, माशाल्लाह वो भी 140-150 पे करते थे, जी जी। और उसने 7 आउट इंडिया के किए, और इमेजिन करें कि मैंने उसको 1-4 मैं और मुदस्सर ने ओपन गए थे कजावी में ट्रेनिंग के बाद, 17 ईयर मेरी एज थी, तो मैंने 1-1 4-4 चौके मारे उसी टेक्निक से, जबरदस्त जो उसकी थी गैरी सोबर। तो मैं बच्चों को आज जो बैट्समैन बन रहे हैं वही उनको टेक्निक दे रहा हूँ, मेरा बेटा अपना अपना भी पाकिस्तान वापडा से दुबई भी खेल के आया उसी टेक्निक से, सही है। अच्छा, थैंक यू भट्ट साहब, मैं अब आपकी टीम से सवाल करता हूँ, आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। अच्छा मुझे बताएं किस क्लास में स्टडी करते हैं आप? मैं 10th की पेपर दिया, 10th की पेपर दिए हैं, अच्छा सही है। और आप मूवीज देखते हो? यस देखते हैं। कौन सी फेवरेट मूवी है आपकी? इंडिया की कौन सी मूवी है? हीरोपंती। क्या क्या? हीरोपंती। और आपकी फेवरेट एक्टर्स कौन सी है? शर्म आ रही है? यस। अच्छा चलो ठीक है, आप आगे आ जाओ। आपका क्या नाम है? मूसा जब्बार। आप मूवीज देखते हो? नहीं नहीं देखते जी, नहीं।
अच्छा, और आपकी वैसे एक्टर या एक्ट्रेस कोई है फेवरेट? कोई भी नहीं, सिर्फ क्रिकेट के ऊपर फोकस है। किस क्लास में स्टडी करते हो? मैं फर्स्ट ईयर में गया हूँ। फर्स्ट ईयर में गया तो अभी उसी की स्टडीज जा रही है। अच्छा अच्छा, चले ग्रेट। आप आगे आ जाइए, आपका क्या नाम है? उस्मान फरीद। उस्मान, आप मूवीज देखते हो? नहीं नहीं देखते। किस क्लास में पढ़ते हो? 9 में पढ़ते हो, चलो गुड लक। आपका क्या नाम है? मेरा हमजा। हमजा, आप मुझे बताओ कि आप किस क्लास में स्टडी करते हो? मैं फर्स्ट ईयर में भी दाखिला। फर्स्ट ईयर में हो, तो कैसे मैनेज करते हो? नहीं अभी दाखिला लेना, मैंने अभी लेना है जी। अच्छा सही है। और आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? कोई नहीं, मेरी तो कोई भी नहीं है, क्रिकेट पे फोकस है। खान साहब आप आगे आ जाए, आप मुझे बताएं आप स्टडी करते हो? जी करते हूँ। किस क्लास में हो? थर्ड ईयर में हो। और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? मूवी नहीं देखता। अच्छा, ये चीज़ आपने नोट किया है कि जितने भी ये क्रिकेटर्स हैं इसमें सिवाय एक बच्चे के, बल्कि एक भी नहीं है, ये भाई हैं जो मूवीज़ देखते हैं, अदरवाइज़ इनका सारा फोकस जो है वो अपनी क्रिकेट के ऊपर है। और ये एक अच्छी बात है कि जो कामयाबी के लिए सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि आपका पैशनेट होना ज़रूरी है, आपका फोकस होना ज़रूरी है, और आपको जो अपनी पर्सनल लाइफ है, आपकी जो पर्सनल प्रायोरिटीज़ हैं, उनको आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, फिर एक दिन आके आप बाबर आजम या विराट कोहली बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डायरेक्ट मैसेज।